कहते हैं जीवन में अगर कोई दर्द समझता है तो वो तो या तो माँ समझती है या डॉक्टर समझते हैं। तो ऐसे ही एक डॉक्टर हैं जो सबके दर्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं। पेशेंट के दर्द के अलावा उन्होंने बहुजन समाज के दर्द को भी बखूबी बहुत अच्छे से समझा है। तो ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर उदयवीर सिंह जी। डॉक्टर उदयवीर जी, आप कैसे मिलते, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, जैसे पूना बैठ करके बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये पूना बैठ में क्या हुआ था, उसके बारे में आप हमें बताएं कि पूना बैठ क्या था, वो बताएं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 17 अगस्त 1932 को उसको स्वीकार करके एक ऑर्डर जारी किया था, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो उस समय यरवदा जेल में थे, उसका विरोध किया गया और ब्रिटिश सरकार को 18 अगस्त को ही ये लेटर लिखा गया कि या तो आप इसको वापस लीजिए, अन्यथा मैं आमरण अनशन करूँगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो उनको जवाब दिया, उन्होंने जो लिखा, गांधी जी को लिखा, मिस्टर गांधी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिसीजन यू हैव टेकन। यू हैव टेकन दिस डिसीजन ड्यू टू द मिस एप्रीहेंशन ऑफ द एक्चुअल फैक्ट्स। गवर्नमेंट डिसीजन स्टैंड्स। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि गांधी, आपने जो ये निर्णय लिया है, ये गलत फहमी की वजह से लिया है, हम इस निर्णय को नहीं बदलेंगे, ये निर्णय स्टैंड करता है। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी देश की आज़ादी के लिए आमरण अनशन तो नहीं किया था, लेकिन दलितों को मिले अधिकार के खिलाफ उन्होंने ये घोषणा की कि मैं 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 19 सितंबर 1932 को एक प्रेस रिलीज जारी किया। वो कहते हैं, आई कैन नॉट बिलीव ऑन सच ए महात्मा, ही इज नॉट एन इमॉर्टल पर्सन। सो मेनी महात्माज हैव कम एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू रिमूव अनटचेबिलिटी। महात्माज हैव गॉन बट माई अनटचेबल्स रिमेन्स एज अनटचेबल। तो बाबा साहब का क्या फर्म डिटर्मिनेशन था, उनकी जो भाषा थी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सवर्ण समाज की क्या मानसिकता है, इसको उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये लोग जो आपस में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो मानसिकता है, वो लिखते हैं कि हाउ एवर दे डिवाइड अमंग देमसेल्फ, बट व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ माय पीपल, देयर इज एन इंटरनल कॉन्स्पिरेसी टू बोल्ट ईच एंड एवरी पाथ ऑफ देयर प्रोग्रेस इन ए मर्सीलेस वे। इस प्रकार बाबा साहब ने किसी भी कीमत पर ये समझौता करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन 4 दिन में जब महात्मा गांधी मरने को तैयार हो गए और उन पर बाबा साहब पर इतना दबाव डाला गया, तो बाबा साहब को मजबूरी में ये समझौता करना पड़ा। उस समझौते में बाबा साहब क्या लिखते हैं, इट वॉज ए बफलिंग सिचुएशन, आई वॉज प्लेस्ड इन सच ए डिलेमा दैट देयर वॉज बिफोर मी द राइट ऑफ माई प्यूपिल विच आई गॉट आफ्टर ए ग्रेट स्ट्रगल, ऑन द अदर हैंड देयर वॉज द लाइफ ऑफ मिस्टर गांधी, आई रेस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सेव्ड मिस्टर गांधी फ्रॉम श्योर डेथ बाई एग्रिंग ए पैक्ट नोन एज पूना पैक्ट। तो बाबा साहब की क्या सिचुएशन थी, इसे बाबा साहब के अनुयायियों को पढ़ने की जरूरत है, उस स्पिरिट को जानने की जरूरत है, किस प्रकार से बाबा साहब मजबूर हुए उस समझौते को करने के लिए। बाबा साहब उस समझौते के बारे में फिर बताते हैं, इट वॉज ए फ्रॉड विद मिस्चीफ, इट वॉज एक्सेप्टेड ड्यू टू द कोरोसिव फास्ट ऑफ मिस्टर गांधी। बाबा साहब तो गांधी के बारे में
ये तक लिखते हैं कि इट वॉज ए वायलेंट वीकड एक्ट, इट वॉज अगेंस्ट द पुअर एंड हेल्पलेस पीपल ऑफ दिस कंट्री. हाउ कैन दीज पीपल रिगार्ड सच ए मैन एज महात्मा. बी वेयर ऑफ मिस्टर गांधी. बाबा साहब ऐसा बोला करते थे. आज हमें ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट था. उसमें हमारे जो लोग हैं, जो 20% जिनकी आबादी है, उनका जो कैंडिडेट होता है वो 80% का गुलाम चुन के पार्लियामेंट में जाता है. चुना तो 20% का शेड्यूल कास्ट ही होता है, लेकिन जो 80% जो अदर कास्ट के वोट होते हैं वो 80% लोग दलित को चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं. जो 80% की चमचागिरी ज्यादा करेगा, जो 80% की बात ज्यादा मानेगा, जो 20% के साथ अत्याचार करता है वो आज पार्लियामेंट में जाता है. ये महात्मा गांधी की चाल थी जो समझौते के लिए बाबा साहब को मजबूर होना पड़ा. सेपरेट इलेक्टोरेट वो था कि हमारे जो 20% जो हमारे दलित भाई हैं वो 100% भाई एक अलग से अपने दलित प्रतिनिधि को चुनेंगे. यानी 100 लोगों को 2 वोट देने का हक होगा. एक तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में किसी भी कैंडिडेट को दे सकते हैं और दूसरा वो केवल दलित उम्मीदवार को ही देंगे, ताकि जो भी दलित चुन करके जाएगा वो दलित की मेजोरिटी से चुन करके जाएगा. क्योंकि आज पार्लियामेंटेरियन 20 का नुमाइंदा नहीं है, वो 80 का नुमाइंदा है, और 80 लोग कभी भी 20 का भला नहीं चाहते. तो ये जो पूना पैक्ट है ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और बाबा साहब ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया. यहाँ तक कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हिंदू व्यवस्था को छोड़ दी. आपसे डॉक्टर साहब हमारे मीटिंग में अच्छे से बताया कि पूना पैक्ट क्या था. अगर आप भी चाहते हैं हमारे चैनल पे कोई इन्फॉर्मेशन जानना तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पूना पैक्ट जैसी घटनाएं सारे बहुजन समाज तक पहुँच सकें.